नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आदिवासियों से ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। शहडोल जिले की अमलाई पुलिस ने प्रधानमंत्री योजनाओं का पैसा निकालने का झांसा देकर गरीब आदिवासियों से ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक बाइक व मोबाइल भी जब्त किए हैं। पकड़े गए दोनों व्यक्ति बदमाश लोगों को SBI बैंक का कर्मचारी बताकर योजनाओं के नाम का पैसा आने की बात कहकर मोबाइल ऐप की मदद से पैसा आहरण कर लेते थे। इन्होंने ऐसे कई भोले भाले आदिवासियों को अपने ठग का शिकार बनाया है। पकड़े गए दोनों ठग छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा के रहने वाले हैं, जो लगभग 30 से ज्यादा व्यक्तियों के साथ प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम पर ठगी करके उनकी रकम अपने खाते में जमा कराते थे। अमलाई थाना क्षेत्र के ग्राम बटुरा निवासी छबीलाल वासुदेव व उनकी पत्नी तेरासियाबाई वासुदेव ने 30 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि नरेंद्र कुमार चौधरी और मुकेश चौधरी खुद को SBI बैंक का कर्मचारी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का पैसा निकालने का काम करते हैं। आपका सूखा राहत का 10,000 रुपया निकाल देंगे कहकर दोनों ने पीड़ित से उनका एवं उनकी पत्नी का आधार कार्ड एवं खाता नंबर देने पर दोनों व्यक्ति अपने मोबाइल में ऐप का इस्तेमाल कर मोबाइल नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं एवं अंगूठा लगवाते हैं। बोले कि खाते में 10,000 रुपये आ जाएंगे और यह कहकर चले गए। पीड़ित ने जब पत्नी के खाते को चेक किया तो पाया कि बिछिया कियोस्क बैंक से पत्नी के खाते से 2,000 रुपये मुकेश चौधरी के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। शिकायत के आधार पर अमलाई पुलिस ने दोनों ठगों के खिलाफ धारा 419, 420, 120 बी के तहत मामला कायम कर दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और 2,000 रुपये बरामद कराए। घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल व मोबाइल भी जब्त किए हैं। पकड़े गए दोनों ठग छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा के रहने वाले हैं, जो लगभग 30 से ज्यादा व्यक्तियों के साथ प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम पर ठगी करके उनकी रकम अपने खाते में जमा कराए हैं। मध्य प्रदेश शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। 2,000 रुपये माफी, लेकिन हम लोगों को ये शंका हुई कि ये तो इन्होंने बड़े फीस कराए और बैंक से जब ये जानकारी ली तो अभी हमें प्राइमर फेसी सस्पिशियस मिले, चूँकि इनके खाते में, इनके तीन खाते थे, इनके खाते में चूँकि पैसा ट्रांसफर होता है तो वो मेरा ऐसा अनुमान है कि किसी पद्धति से उन्होंने जो है वो ठगा होगा। तो उसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार। ये एक गैंग जो है दो लोगों का पकड़ा गया है, जिन्होंने अपने को शहडोल SBI ब्रांच का कर्मचारी बताया, जबकि ये रहने वाले पेंड्रा रोड के हैं। और ये गांव के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलाने के लिए बैंक की तरफ से आए और हम आपको सूखा राहत का या आवास योजना का हम आपको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये इस तरीके का प्रलोभन देते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति से बोलते हैं, ग्रामीण से उसको बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, हमें फॉर्मेलिटी पूरी करना है। और आधार कार्ड लेके और फिर एक इनके पास में डिवाइस है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि मोबाइल से जुड़ के और एक पे नियर बाई एक ऐप है, उसके माध्यम से ये जो है उसके खाते में जो पैसा होता है उस खाते के पैसे को अपने खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हमने इनके बैंक से जानकारी ली इनके बारे में तो हमें 30 ट्रांजेक्शन्स हमें और सस्पिशियस मिले, माने इन्होंने 30 लोगों को और ठगा है। इस पर हम अभी बैंक से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और ये भी पता लगा रहे हैं कि ऐसे और कितने लोग जो इस काम में सक्रिय हैं। इनके सारे हमने बैंक खाते जो हैं वो सीज़ कर दिए हैं और उसमें जो रकम है वो भी सीज़ कर दिए, ताकि पीड़ित को उसका पैसा वापस दिलाया जा सके। और लोगों से भी ये अपील है प्रशासन की तरफ से कि इस तरीके से अगर कोई शासकीय योजना का लाभ दिलाने के लिए आपके घर आता है, आपका आधार कार्ड मांगता है या आप से कहता है कि आप हमारे मोबाइल की डिवाइस पे फिंगरप्रिंट दे दीजिए, तो कृपया करके ये ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट का पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये सभी लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से अलर्ट करना चाहता हूँ।